चंडीगढ़ में एक आदमी ने अपनी 70,000 की बाइक के लिए 15 लाख रुपए खर्च करके वीआईपी नंबर खरीदा। वहीं दूसरी ओर यूपी में कुछ चोर चोरी करने गए और वहां पे सीसीटीवी कैमरा के सामने ठुमके लगाने लगे। तो आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? सब्सक्राइब के बटन को देखिए, उसे दबाइए और साथ में जो घंटी का आइकॉन आएगा उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इन खबरों की जो मैंने आपको बताई है आगे विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरा नाम है कमल महर्षि और आप देख रहे हैं सही पकड़े हैं। चंडीगढ़ में एक आदमी ने अपनी 70,000 रुपए की बाइक के लिए 15 लाख रुपए खर्च करके वीआईपी नंबर खरीदा। कमाल हो गया यार, मतलब ये तो क्लासिक केस है कि चाराने की मुर्गी और बाराने का मसाला। वैसे ये क्लासिक केस है कि एक फकीर ने 10 लाख रुपए का सूट खरीदा। वैसे ये क्लासिक केस है कि एक फकीर ने 12 करोड़ की गाड़ी खरीदी। वैसे ये क्लासिक केस है कि एक फकीर ने 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। चार आने की मुर्गी, 12 आने का मसाला, वाजीवा। पर मुझे ना एक बात समझ में आई है कि वो जो एक वादा था ना, आप कहें अकाउंट में 15 लाख, वो वादा मोदी जी इसीलिए पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की जनता वो 15 लाख रुपए ऐसे ही फालतू कामों में खर्च करेगी और वापस से ठन ठन गोपाल होके बैठ जाएगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कुछ चोर एक दुकान में चोरी करने के लिए घुसे और उन्होंने चोरी कर भी, लेकिन बाद में जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो पता चला कि वो चोरी करते वक्त नाच रहे थे। देखिए वीडियो। भाई इसको कहते हैं चोरों की बारात, चोरी डांस। इस बारे में हमने उनमें से एक चोर से बात की तो उसका कहना था, देखिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम वहां पर नाचें, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा दिख गया था, हमने सोचा कि आए हैं तो कुछ रील्स बना लें, कुछ शॉर्ट्स बना लें, तो हमने नाचना शुरू कर दिया और अब हमने डिसाइड किया है कि इसको हम बोलेंगे चोरी डांस चैलेंज। और ये चैलेंज हम सबसे पहले अपने एरिया के विधायक जी को थ्रो करना चाहते हैं क्योंकि वो चोर तो है ही, जनता को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। अब जरा देखते हैं कि वह कितना अच्छा नाचते हैं। विधायक जी लीजिए चोरी डांस चैलेंज। वैसे अगर ये चोरी डांस चैलेंज फेमस हो गया तो भाई चोर भले ही ना मिले लेकिन चोरनियां बहुत सी मिल जाएंगी क्योंकि लड़कियां ही चैलेंज ज्यादा लेती हैं ऐसे। कच्चा बादाम, अरे कच्चा बादाम, पता नहीं पिछवाड़े में कौन से बादाम लेके घूम रही है। संगरूर जो कि पंजाब में है, वहां के एक आदमी को काले घोड़ों का बड़ा शौक था तो उसने 22 लाख रुपए खर्च करके एक खास काला घोड़ा खरीदा। लेकिन अगले दिन जब उसने उसको नहलाया तो उसका सारा काला रंग निकल गया और भूरा घोड़ा बाहर आ गया। मतलब लेने गए थे घोड़े और लग गए उसके कोड़े। वैसे ना हम भी 7-8 साल पहले, याद है आपको, एक घोड़ा लाए थे, बड़ा शानदार दिख रहा था, लेकिन अब उसका भी रंग निकलने लगा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। हम भी लेने गए थे घोड़े और हमारे भी लग गए कोड़े। महाराष्ट्र के भीड़ में एक आदमी ने ओला स्कूटर खरीदा और वो स्कूटर 6 दिन बाद ही बंद पड़ गया, बताइए। और अब वो उस स्कूटर को एक गधे के पीछे बांध के और इधर उधर घुमा के और जुलूस निकाल रहा है। कमाल की बात है, ये देखिए वीडियो। इस वीडियो को देख के तो ऐसा लगता है कि सर मुंडाते ही इस आदमी के ओले, नहीं ओला पड़ा, 6 दिन में खराब हो गया होता है। वैसे इस बारे में हमने उस गधे से बात की तो उसका कहना था,
ये तो पहली बार हुआ है कि किसी गधे के मालिक को कंपनी ने गधा बना दिया। और हम दोनों जो है गली गली गधा बन के और इस ओला स्कूटर को खींचते हुए ढेचू ढेचू कर रहे हैं, पर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। वैसे उस ओला स्कूटर को खरीदने के लिए इस गधे ने मजदूरी की वो पैसे लगे थे या उस आदमी ने गधा मजदूरी की थी वो पैसे लगे थे? अब ना ओला को एक काम करना चाहिए कि एक स्कूटर के साथ एक गधा फ्री स्कीम अनाउंस कर देनी चाहिए। बाय गॉड, गधा ही चलाएगा स्कूटर। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक शादी चल रही थी और मांग भराई की रस्म शुरू हुई और जैसे ही दूल्हे ने मांग भरने के लिए अपना हाथ उठाया, दुल्हन चीख पड़ी क्योंकि दूल्हे की एक उंगली नहीं थी। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और बारात को बिना दुल्हन के बैरंग लौटना पड़ा। सैड बट मैड। इस बारे में हमने उस दुल्हन से बात की तो उसका कहना था, देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आदमियों को औरतों को उंगली करने का बहुत शौक है। अब इस आदमी के पास उंगली नहीं थी तो ये क्या उंगली करता? परंपरा भी कोई चीज होती है, जारी रहनी चाहिए कि नहीं? और वैसे हमने दहेज पूरा दिया है तो भाई आदमी भी पूरा चाहिए, उसका तो पता नहीं और क्या क्या कटा होता, काहे दे डिस्काउंट है। तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम है कमल महर्षि और आप देख रहे थे सही पकड़े हैं।